नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर को लेकर जांच एजेंसियों की जांच अभी भी जारी है। जांच एजेंसियां सीमा हैदर का कराची कनेक्शन ढूंढने में जुटी हुई हैं। सीमा हैदर पर लगातार जासूसी का शक बना हुआ है, इसके चलते उससे पूछताछ चल रही है। हाल ही में की गई पूछताछ में सीमा हैदर ने बताया था कि वो अपने पति गुलाम हैदर के बिना तकरीबन 4.5 साल रही थीं। वहीं अब सीमा के दिए गए बयान से पूरे मामले में नई थ्योरी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जांच एजेंसियों को सीमा हैदर के कुछ जवाब लगातार उलझा रहे हैं। एजेंसियां सीमा हैदर का कराची कनेक्शन तलाशने में जुटी हुई है, क्योंकि सीमा हैदर ने पाकिस्तान के कई अलग अलग इलाकों में रहने की जानकारी एजेंसियों को दी थी। लेकिन एजेंसियों को अहम जानकारी मिली कि सीमा हैदर पिछले काफ़ी समय से सिंध प्रांत की राजधानी कराची में रह रही थीं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके साथ ही पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा हवाई ट्रेवल यहीं से होता है, और वहीं से सीमा ने भी भारत आने का प्लान बनाया था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।